नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo F21 Pro 5G वर्सेस Realme GT2 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो F21 Pro 5G में 6.3 इंच जबकि GT2 Pro में 6.43 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो F21 Pro 5G में 2.88 इंच जबकि GT2 Pro में 2.94 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो F21 Pro 5G में 0.3 इंच जबकि GT2 Pro में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि F21 Pro 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो F21 Pro 5G में 173 ग्राम्स जबकि GT2 Pro में 189 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि F21 Pro 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो F21 Pro 5G में 6.43 इंचेस जबकि GT2 Pro में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन F21 Pro 5G में 1080x2400 और GT2 Pro में 1440x3216 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो F21 Pro 5G में 85.28% जबकि GT2 Pro में 88.9% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो F21 Pro 5G में 409 पिक्सेल प्रति इंच जबकि GT2 Pro में 526 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो F21 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और GT2 Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में माइक्रोस्कोप कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो F21 Pro 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और GT2 Pro की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो F21 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और GT2 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो F21 Pro 5G में Adreno 619 जबकि GT2 Pro में Adreno 730 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो F21 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 695 और GT2 Pro में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 मिलता है। बात करें RAM की तो F21 Pro 5G में 8GB की RAM मिलती है जबकि GT2 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो F21 Pro 5G में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि GT2 Pro में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो F21 Pro 5G में अप टू 1TB जबकि GT2 Pro में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी F21 Pro 5G में 4500 mAh जबकि GT2 Pro में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो F21 Pro 5G में 2 कलर्स जबकि GT2 Pro में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
F21 Pro 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस में मिल जाता है। वहीं अगर बात करें GT2 Pro की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 46,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 57,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो ओप्पो F21 Pro 5G में 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme GT2 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में F21 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में GT2 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Mi 10T 5G है, दूसरा Realme 8 5G है, तीसरा Vivo V21 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco M3 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।